नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सतना जिले के अंदर आरटीआई कार्यकर्ता तो बहुत होंगे, लेकिन जब एक आरटीआई कार्यकर्ता किसी के पीछे पड़ता है तो वह लड़ाई अंतिम समय तक लड़ता है, अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाता है। कहने के लिए तो जिले के अंदर सैकड़ों हजारों की तादाद में आरटीआई कार्यकर्ता होंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी को निलंबित करा देने का मादा यदि किसी आरटीआई कार्यकर्ता में है तो उसका नाम है उदयभान चतुर्वेदी। उदयभान चतुर्वेदी ने उप संचालक कृषि बीएल कुरील को निलंबित कराकर ही दम लिया। बीएल कुरील की कमी यह थी कि उन्होंने प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद भी कर्मचारियों का स्थानांतरण अपनी मनमर्जी से किया, जिसके चलते उन्हें निलंबन जैसी कार्यवाही झेलनी पड़ी। बीएल कुरील अगले माह 28 फरवरी को 62 वर्ष की आयु पूरी कर पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन यह उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वे सेवानिवृत्त होने से 38 दिन पहले संभागायुक्त अनिल सुचारी द्वारा निलंबित कर दिए गए और रीवा संयुक्त संचालक कृषि कल्याण में अटैच कर दिया गया। इतना ही नहीं, बीएल कुरील के विरुद्ध अभी भ्रष्टाचार की जाँच होना शेष है। कुरील पर अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर खाद बीज विक्रेताओं के लाइसेंस बहाल करने की शिकायत जेडीए कार्यालय रीवा में विचाराधीन है, इसकी भी जांच कराई जा रही है। इस मामले में भी संभागायुक्त ने कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा है। वहीं इस मामले में भी वह दोषी पाए जाते हैं तो निलंबित उप संचालक की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हालांकि कृषि उप संचालक सत्ताधारी नेताओं को अपनी जेब में रखते थे, इसलिए उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि रिटायर होने के पहले बीएल कुरील निलंबित हो जाएंगे। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता उदयभान ने इतने व्यवस्थित ढंग से उनके दस्तावेज निकाले जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उप संचालक अपने आप को यह मानकर चल रहे थे कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सूत्रों से पता चला है कि इसके पहले वे दमोह में भी बड़ा भ्रष्टाचार करके आए थे। अब देखना यह है कि विभागीय जाँच में भी उनके विरुद्ध क्या कुछ निकलता है और शासन प्रशासन के स्तर पर उनके विरुद्ध आगे और क्या कार्रवाई होती है। देखते रहिए विशाल खबर।